नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ ग्रह रत्न मंत्र इनके होने वाले प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से प्रेडिक्शंस और धर्म संस्कृति इत्यादि जो सनातन धर्म से जुड़े विषय हैं जो जिनका हम सब पे सबके जीवन पे गहरा प्रभाव है उनके बारे में बात करता रहता हूँ। ग्रहों के ऊपर मुख्यतः मेरा केंद्र बिंदु रहता है क्योंकि ग्रह जो है किसी भी धर्म जाति से बढ़ के हर धर्म हर जाति हर किसी के ऊपर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य तो क्या पशु पक्षियों इत्यादि पर भी इनका प्रभाव रहता है। अतः जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं सभी के लिए ग्रह एक प्रकार से वही एक जिम्मेवार हुआ करते हैं। तो मेरा ज्योतिष पे ज़्यादा आपसे संबंध रखता हूँ। आज मैं आपको ज्योतिष में नवग्रहों के राजा सूर्या के मीन राशि में होने वाले भ्रमण और उस भ्रमण का सभी लग्नों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो बताने जा रहा हूँ। सूर्य मीन राशि में 14 मार्च को रात को 11:43 पर प्रवेश करेंगे। इस समय को संक्रांति बोला जाता है और ये मीन राशि में 14 अप्रैल को प्रातः 8:13 तक रहेंगे। लगभग 30 दिन का जो समय है ये सूर्य हर राशि में लगभग 30 दिन रहते हैं और पूरा जो 12 राशि का नक्षत्र मंडल है 360 दिन में उसको पूरा करते हैं। और हर राशि में बदलने के साथ मौसम में हर प्रकार से जीवन में हर एक के जीवन में परिवर्तन आते हैं। सर्दी गर्मी बरसात सभी सूर्य का कारण हुआ करते हैं। बाकी ग्रह भी सूर्य की वजह से ही अपना प्रभाव अच्छा बुरा न्यून अधिक सब इस सूर्य के निर्देशन में सब होता है। सूर्य विष्णु के सभी रूपों दशावतारों अब सभी जो भगवान के 12 आदित्य हैं और भगवान शंकर के जितने भी धर्मस्थल हैं सब सूर्य से संबंधित है क्योंकि सूर्य के आराध्य भगवान शंकर हैं। मैं अब आपसे धनु लग्न में होने वाले मीन राशि के प्रभाव पर आपको बताने जा रहा हूँ। परंतु आपका लग्न धनु है या नहीं या क्या लग्न है इसके जानने के लिए आप क्या करें, आप किसी भी ज्योतिष से जुड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कंप्यूटर में अपना जन्म का समय तारीख महीना वर्ष और जन्म का स्थान ये सूचना फीड करें। स्क्रीन पे एक 12 खानों का चित्र आएगा जिसमें 1 से 12 तक नंबर हो छपे होंगे। यदि आपका 9 नंबर है तो समझिए आप धनु लग्न के हैं, 8 है तो समझिए वृश्चिक है, 7 है तो तुला है, 12 है तो समझिए मीन है। मैं आपसे इन्हीं के ऊपर बात कर रहा हूँ इन 12 लग्नों के ऊपर, तो मैं धनु लग्न में बात कर रहा हूँ। धनु लग्न में जब सूर्य भ्रमण करेंगे तो इनका प्रभाव जो है किस जगह होगा कैसा होगा ये बताने जा रहा हूँ। धनु लग्न होता 9 नंबर यदि आपका लग्न है। लग्न पे इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि प्रभाव उपाय जो भी बताए जाते हैं वो लग्न से संबंध रखते हैं। राशि पर भी सूर्य के भ्रमण का प्रभाव पड़ता है परंतु जो उपाय का जो क्षेत्र है उसके लिए उसको प्रभावी रूप से बताने के लिए लग्न का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः धनु लग्न के बारे में बात हो रही है। धनु लग्न में शिक्षा नौकरी और पॉलिटिक्स इत्यादि में आप हैं, राजनीति में हैं, तो इनमें बड़े परिवर्तन के संकेत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी बदली जा सकती है, पॉलिटिक्स में तो दिशा बदलती है आपके क्षेत्र की आपकी पार्टी की। इस समय में इन 30 दिनों में आपके निवास स्थान में अथवा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के संकेत मिलने हैं। यदि आप 70 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं तो हार्ट केयर बहुत ज़रूरी रहेगी, लंग्स का और हृदय रोग की सावधानी रखनी होगी विशेष करके 26 तारीख तक। 26 तारीख तक आपको मीठे की खान पीन के ऊपर नियंत्रण कम रहेगा तो वजन बढ़ने की समस्या और हृदय रोग की समस्या मधुमेह बढ़ता है तो इसलिए सावधानी 26 तक ज़्यादा है। 26 तक आपको फीवर का यानी ज्वर का कफ का स्किन एलर्जीज का ये ध्यान देना पड़ेगा। इस समय में आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर खर्चा हो सकता है, प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है, ज्वेलरी के ऊपर हो सकता है, वाहन पर हो सकता है। 26 तारीख से लेकर 14 अप्रैल के मध्य ये समय जो है प्रेम के लिए प्रेम विवाह के लिए नए व्यापार के लिए अरेंज मैरिज के लिए
संतान के जन्म के लिए और रेंटल इनकम की बढ़ोतरी के लिए समय शुभ रहेगा, ये अच्छा रहेगा। 14 अप्रैल का जो पीरियड है, आध्यात्मिक जागृति, अंतर्मन की जागृति यानी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का समय रहेगा। समय अत्यधिक उत्तम है, परंतु क्रोध पूरे महा और नींद की कमी और थोड़ा इस वजह से थोड़ा सा तनाव रहेगा, इस वजह से थोड़ी बहुत बीमारियां रहेगी। सूर्य बहुत हीट है, सूर्य में बहुत ज़्यादा तेज और गर्मी है, अतः मन स्थान पर जब इसका भ्रमण होता है तो मानसिक शांति को ये भंग करता है। परंतु ये शांति को भंग करने का जो कारण है वो सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है, यानी पॉजिटिव अफेक्ट से ही नींद को थोड़ा प्रेशर, काम बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, परंतु नींद का समय नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूँ इस प्रकार का समय। इसके लिए कि आपको शांति रहे, और यदि आपकी सारस्वती भी है, धनु और मकर इत्यादि आपकी राशियाँ हैं, तो थोड़े से उपाय करने आवश्यक हो जाएंगे आपको। उपाय क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अथवा आदित्य हृदय स्तोत्रम। सूर्य और शनि जो ग्रह हैं इनके उपाय करना, तो सूर्य के लिए सूर्य नमस्कार योग करना अथवा अनुलोम विलोम करते हुए ओम नमः नारायण मंत्र का जो है हर आवृत्ति में 4 बार, अनुलोम विलोम में 1 आवृत्ति में 4 बार आप सांस लेते छोड़ते, हर एक को लेते अथवा छोड़ते हो ओम नमः नारायण मंत्र का जाप करना, ओम नमः नारायण आय। दूसरे, सूर्य गुरु और बुध के मंत्रों का जाप। धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति और सूर्य इसमें नवम भाव यानी भाग्य धर्म शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अथवा यदि आप विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि विष्णु नारायण रूप है सूर्य, तो अत्यधिक लाभकारी रहेगा। मंत्र किस प्रकार है? नारायण गायत्री मंत्र है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये आप जो है 14 मार्च से लेकर लगभग 14 मई तक करते रहें, 60 दिन लगभग 3 या 5 वाला का जाप आप करें, परंतु उससे पहले गणेश जी का ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला करें। और तीसरे, जो यदि आपको लिए मंत्र थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो सूर्य और गुरु और बुध के बीज मंत्र हैं, बुध का बीज मंत्र है जैसे ओम ब्राह्म ब्री ब्रह्म सा बुधाय नमः लगभग 3 माला, गुरु का ओम ग्रां ग्री ग्रौ सा गुरुवे नमः लगभग 3 माला, हल्दी की माला हो तो अच्छा, और सूर्य ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्य नमः, अथवा दूसरा मंत्र ओम नमः भक्ते वासुदेव या ओम नमः नारायण है, 3 माला ये करें। यदि सारस्वती इत्यादि चल रही है, कार्य क्षेत्र में हर प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, हृदय रोगी हैं, नींद नहीं आ रही, तनाव है, तो पीला पुखराज 5 रत्ती इंडेक्स फिंगर में राइट हैंड में गोल्ड में थर्सडे को, माणिक्य जिसको अंग्रेजी में रूबी कहते हैं लगभग 5 रत्ती का रिंग फिंगर में बाएं हाथ में रविवार के दिन सोने अथवा चांदी में, पन्ना दाएं हाथ में सबसे छोटी उंगली में 6 या 7 रत्ती का दाएं हाथ में बुधवार को चांदी में डालना है। तीनों रत्नों के डालने का टाइम 5 से 6:30 अथवा 12 से 1:15 का रहेगा। इस समय में आप जीवन में कोई भी बड़े परिवर्तन उपाय के रूप में कोई भी बड़े परिवर्तन कैरियर और शिक्षा को लेके ना ले, विशेष करके 26 मार्च तक, परंतु 14 अप्रैल तक ना लें, और माणिक पन्ना पीला पुखरा तीनों धारण किए रखें। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ये राशि है, बृहस्पति इस लग्न के स्वामी हैं, और जिस प्रकार सूर्य का भ्रमण जो है आने वाले 60 दिन में 14 मार्च से है, तो मांसाहार मद्यपान हानिकारक ही रहेगा, ईश्वर का आशीर्वाद थोड़ा सा कम होता है और पितरों और देवताओं का आशीर्वाद कम हो जाता है। नमस्कार।